Assalamualaikum, आज की है यूनिट नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.1 का है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 x² - 4x + 4 / 8 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये जो इसकी नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अगर पॉलीनोमियल होगा, ये भी पॉलीनोमियल है, ये भी पॉलीनोमियल है, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पॉलीनोमियल आ जाए तो उनको हम नाम देंगे, इसको हम फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम नाम दे देंगे रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन। अब ये क्या बन गई रेशनल एक्सप्रेशन, जिस तरह आपने रेशनल नंबर पढ़े हैं। अब रेशनल नंबर क्या थे, जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें। अब आगे उसने कहा था P एंड Q इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब है कि P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें और जो P Q हो ये क्या हो, इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे नंबर की बात है तो हमने इसको नाम दिया रेशनल नंबर। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम इस वजह से नोमिनेटर भी, नोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन होगा, डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन होगा, तो हम इसको नाम देंगे रेशनल एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने नोमिनेटर पर जो एक्सप्रेशन है उसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन के लिए आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इससे पहले हम फैक्टराइजेशन जो है इसके बारे में आप थोड़ा समझ लें, इसको कहते हैं इससे जल्दी। अब फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाना किसी चीज के, फैक्टर छोटे छोटे पार्ट्स बनाना। अब एक तो फैक्टराइजेशन है सिंपल डिजिट की, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 32 डिजिट से आप इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1, ये जिसके फैक्टर बने ये प्राइम नंबर है। अब आपने फैक्टराइजेशन जो करनी है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करनी है, पॉलीनोमियल की करनी है। उसके लिए जो स्टेप है, फर्स्ट जो स्टेप है वो है कॉमन, टेकिंग कॉमन, कॉमन लेना। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² - 4x + 4। अब आपने सबसे पहले देखना है इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन देखना कहते हैं कि इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है x² - 4x + 4। अब हर टर्म में ऐसी चीज आपने कॉमन निकाली है जो हर टर्म में मौजूद हो। अब x इसमें भी है, x स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई x, इसमें 2x है, यहाँ पे भी x पड़ा है 1x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इस वजह से इसमें हम कॉमन, इसमें से कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे होता x तो फिर हम x कॉमन निकाल लेते, या यहाँ पे 4 होता तो 4 कॉमन आता, तो इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं निकलेगी। अगर पहला स्टेप आपका नहीं हो रहा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फैक्टराइजेशन का वो है फार्मूला लगाना। तो आपके पास 3 फार्मूले हैं, एक है a+b² जिसको हम फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रा कहते हैं, a² + b² + 2ab, यानी दो टर्में हैं, दो प्लस हो रही हैं, दोनों का होल स्क्वायर है। तो आपने कैसे ओपन करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो +2 × फर्स्ट टर्म / सेकंड टर्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है a-b, अगर दो टर्म है और माइनस हो रही है दोनों का होल स्क्वायर है, तो सेम सेम पहली आइडेंटिटी की तरह पहली टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्मों के साथ दोनों के साथ प्लस आएगा दोनों आइडेंटिटी में। साइन कहाँ पे चेंज होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 के साथ प्लस, यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ क्या लगाना है माइनस, और दोनों हासिल फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड, अभी सेकंड मल्टीप्लाई है। उसके बाद जो थर्ड है वो है a² - b², यानी दो टर्म स्क्वायर वाले हैं, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो उसको उनको लिखना चाहते हैं, एक बार प्लस में लिख देना a+b और एक बार आपने माइनस में लिख देना a-b, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। अब जो फॉर्मूला आपने लगाना है, अब इनको लगाना कहते हैं, अगर ये तो आपकी आइडेंटिटी होगी तो क्वेश्चन किस बार में होगा, अगर ये आइडेंटिटी लगानी है तो क्वेश्चन किस बार में होगा। जब ये वाला आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इस बार में होगा, यानी दो टर्म स्क्वायर वाली होगी और उन्हीं दोनों टर्मों पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा।
सेम टू सेम इसमें भी यही है कि दो टर्म में स्क्वायर वाली होगी और उन्हीं दो टर्मों का टू के साथ क्योर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हम इसमें आते हैं, ये जो हमने पहले नहीं किया है क्या है, फोर एक्स प्लस फोर। अब इसमें तो कॉमन कोई चीज नहीं मिली, फर्स्ट जो इसका डोमिनेटर पड़े हैं जो एक्सप्रेशन पड़े हैं इसमें कॉमन कोई चीज नहीं है। तो हम सेकंड देखते हैं फार्मूला। अब फार्मूला क्या है कि इसमें दो टर्म स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर एक फोर पड़े हैं, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, इसको हमें क्या रहता है एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि क्या इनको हम दोनों को टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी तीसरी टर्म आती है, लेकिन इसमें एक बात तो क्या रखना है कि आपने यहाँ पे टू के साथ वो साइन लगाना है जो तीसरी टर्म के साथ साइन पड़ा है। तो तीसरी के साथ माइनस है तो माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म एक्स सेकेंड टर्म टू। उसके बाद डिनोमिनेटर को देखते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या चीज पड़ी है, टू एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब सबसे पहला जो चेक है फैक्टराइजेशन का वो क्या है कि कॉमन लेना। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या कोई चीज कॉमन आती है, टू एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो टू यहाँ पे भी पड़ा है और टू का मल्टीपल यहाँ पे पड़ा है टू फोर जार के, यहाँ से हम क्या निकालेंगे टू कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड का टू टू दर फोर एक्स, या फिर तीसरी टर्म आ रही है जब हम इनको मल्टीप्लाई करें टू के साथ तो टू टू दर फोर एक्स, यहाँ पे माइनस फोर एक्स पड़ा है। तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर वाली करनी है, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है एक्स टू दोनों का होल स्क्वायर, स्केयर वाली टर्म को इकट्ठा लिखना है दोनों का होल स्केयर कर देना है और फाइनल पॉइंट पर लगाना है जो आपने टू के साथ साइन लगाया है वही साइन इनके दरमियान में लगा देना है और ऊपर होल स्केयर कर देना है। अब नीचे जो पॉलीनोमियल पड़ा है इसमें से हमने कॉमन निकाला था, उसके बाद एक्स स्केयर माइनस फोर बच गया था। अब जो थर्ड आइडेंटिटी है, हमने कॉमन निकाल लिया फर्स्ट स्टेप हो गया, फैक्टराइजेशन का जो सेकंड स्टेप है वो है फार्मूला लगाना। फार्मूले में मैंने दो जो फार्मूले वापस ला दिए हैं, उसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको कैसे, आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इस बार में होगा, उस क्वेश्चन को आपने इस बार में लाना है। अब इस बार में कैसे होगा, आपके पास दो आइडेंटिटी, दो आपके पास टर्म होंगी और दोनों टर्म स्क्वायर वाली होगी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली होगी सेकंड टर्म स्क्वायर वाली होगी और दरमियान में क्या होगी माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो एक्स स्क्वायर ये भी स्क्वायर वाली है, फोर टू का स्क्वायर ये भी स्क्वायर वाली है और दरमियान में क्या है माइनस है, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होता है एक्स प्लस टू एक्स माइनस, एक बार इसको प्लस में लिख लिया एक बार इसको क्या माइनस में लिख लिया। उसके बाद एक्स माइनस टू का एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका मतलब है जिस तरह एक्स का स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसका मतलब है कि एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इंटू एक्स प्लस टू। कैसे नंबर थ्री में जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे इस तरीके से करनी है, सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता। जो आपका थर्ड स्टेप है वो 4.2 में आप हमने करना है पेयर बनाना। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ओके अल्लाह हाफिज़।